दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर बॉय पॉल। आज का जो ये ब्लॉग मोटो ब्लॉग मैं करने जा रहा हूँ वो है डोलाडांगा का, जो कि यहाँ से डिस्टेंस पड़ेगा आपका लगभग 120 किलोमीटर। ये थोड़ा आता है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज़ मानबाजार पोस्ट। पुरुलिया और बांकुड़ा के बीच में एक जगह है, दैट इज़ अ रूरल विलेज। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे बैकपैकर्स कैंप भी होता है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे। और ये जो राइड है अपना, ये ब्रेकफास्ट राइड है। अभी सुबह 7 बज रहा है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और घर पे लौटते लौटते लगभग शाम के 5-6 तो बज जाएगा। लंच करेंगे उधर ही लंच करेंगे। लंच अपना बुक किए थे, मतलब फ़ोन करके, अभी पता नहीं वो लंच होगा कि नहीं वहाँ पर, तो देखते हैं कहाँ पर मिलता है। ये राइड आप एंजॉय कीजिए। दोस्तों मेरा बाइक यहाँ पे रेडी है, चलिए निकलते हैं। अभी घर पे अभी सब सो रहे हैं और मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ एक लॉन्ग राइड पे। टोटल डिस्टेंस जो कवर करेंगे दैट इज़ अराउंड 240 किलोमीटर्स, और भी ज़्यादा लग सकते हैं। गूगल तो दिखाता है 240, और ओरिजिनली जब हम लोग कवर करते हैं तो पूरा डिस्टेंस बढ़ जाता है, 5-6 किलोमीटर तो बढ़ता ही है। मुझे थोड़ा फ्यूलिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूल बार जो दिखा रहा है ओनली 500 भर दीजिए भैया, 500 कार्ड से होगा ना। सिर्फ 500 ही भरा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा फ्यूल नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही तो डिस्टेंस है। कभी कभी इसका जो इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर, ये गलत दिखाता है। मेरे के तो 2 दिखा रहा था, इसलिए मैं सोचा कि कम हो गया थोड़ा, पेट्रोल भरा लेते हैं। तो 500 रुपये भरा तो पूरा फुल टैंक हो गया। ठीक है, अच्छा ही है, काम में लग जाएगा। ये है अपना इधर का रॉयल इनफील्ड शोरूम, और रॉयल इनफील्ड का एक बंदा भी हम लोगों के साथ इस राइड पे जुड़ेंगे, रूपेन, जो यहाँ पे काम करता है एज ए सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो भी हम लोग के क्लब में जुड़े हैं। तो चलिए, आज का जो राइड है लगभग 10-11 लोग जाने वाले हैं, मालूम नहीं कितना लोग आए हैं, शायद वेट कर रहा है मेरा। 7:30 बज चुका है, ये है हम लोगों का मीटिंग पॉइंट। कोई भी नहीं आया क्या? এরকম পাংচুয়াল না থাকলে আমি ইচ্ছা করে লেট করলাম, কেন কি আমি এরপর যতবার এসেছি ততবার আমি আগে এসে ওয়েট করেছি। আজ ওই জন্য আমি 7:00 আসিনি। हम लोग डोलाडांगा जा रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, ये भी बोलेगा बोला। अच्छा अच्छा, बोलिए सुबह आप बोलो। हेलो एवरीवन, और आज हम लोग डोलाडांगा के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं और बाकी मेंबर के लिए वेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कितने बजे तक आते हैं, और आज तक हम लोग सब जुड़ चुके हैं अभी। हाय, आज का राइड पे है डोलाडांगा का, वन डे राइड है, ब्रेकफास्ट राइड। जाएंगे अभी यहाँ से अराउंड 125 किलोमीटर, वहाँ पे स्टे है फॉर 2-3 आवर्स, देन विल कम बैक। लंच करके बैक करेंगे, ये आज का प्लान है। ये यू मस्ट बी नोइंग सौरभ, ही वाज विद मी इन द नेपाल राइड। हमारा अच्छा टीम है, पार्थदा वाज नॉट देयर एक्चुअली, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम था, उसे जा नहीं पाए थे। नेक्स्ट हमारा प्लान है अप्रैल में सिक्किम का, दैट टाइम वी ऑल 4 विल गो। से हाय पार्थदा, हाय पार्थदा, अभी कैसे आप लोग? 100 किलोमीटर, कत किलोमीटर, 60 किलोमीटर आके आए हमसे मिलने के लिए कि साथ जाएंगे। ये आए एकदम ऑल द वे फ्रॉम शांति निकेतन, सुबह 6 बजे निकले और अभी मतलब 1.5 घंटा में पहुंच गए दुर्गापुर, और यहाँ से हम लोग जाएंगे डोलाडांगा। तो डिस्टेंस पड़ेगा लगभग 120 किलोमीटर, और जिसका टाइम गूगल में दिखा रहा है 3 घंटा से ज्यादा ही लग जाएगा सर। देखते हैं कितना टाइम लगता है, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अभी निकलने का टाइम आ गया हम लोगों का, चलो
दो राइडर अभी तक आ नहीं पहुँचे और हम लोग अभी फ़ोन करके बोले कि चले जाओ आप लोग, हम लोग नहीं जा रहे। ये बात ठीक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता ऐसा। उन लोगों के लिए हम लोगों को एक घंटा, एक से डेढ़ घंटा वेट करना पड़ रहा है और बाद में पता चल रहा है कि वो लोग नहीं आएंगे। हम लोग का जो रूट रहेगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इधर से बांकुरा का रूट पकड़ेंगे हम लोग। ये बंद का ही को है, फिर से शायद कोई एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है इसलिए ब्रिज बंद कर दिया। ओनली टू व्हीलर्स आर अलाउड। अरे हाय कि अवस्था देख, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते ही रहता है। शायद कोई और एक ट्रक यहाँ से गिर गया था इसके वजह से ये बंद कर दिया है। कल होली है तो दोस्तों सबको मैं बोलना चाहता हूँ हैप्पी होली। आप लोग एंजॉय कीजिए होली अच्छी तरह से, पेंट वगैरह मत यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स रहता है, तो अवॉइड पेंट्स एंड यूज़ ओनली अबीर। Of night, we live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right? The world is dead, but we stay. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. हम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। ये ओलिविया है, ये रूपेन, फिर से मिले हम लोग, लास्ट मिले थे शांति निकेतन राइड में। ब्रेकफास्ट राइड में ये बंदा घर से ब्रेकफास्ट कर घर का है। ब्रेकफास्ट राइड मतलब ब्रेकफास्ट करने का मतलब राइड कल्प्रिट है, इसको सजा देना चाहिए। मैं लंच के लिए रेडी हूँ लेकिन ब्रेकफास्ट अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद राइड, इसीलिए नहीं ये सही बात नहीं है, ये सही बात राइड है। ये ब्रेकफास्ट राइड में कोई अगर घर से ब्रेकफास्ट करके आता है तो इसका सजा हुआ। जो राइड स्टार्ट हुआ दैट इज नॉट फेयर। मैं 6 बजे उठ के खाने वाला बंदा हूँ, सीधा आदमी जाए श्री राम टाइम, क्योंकि 9 बजे तक चलिए दोस्तों हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है, चलते हैं दोलाडांगा की तरफ। चाबी कहाँ गया? एक और चीज हम लोग पहुंच गए हैं मुकुट मणिपुर और यहां से
टाइम लगेगा लगभग और आधा घंटा, आधा से एक घंटा लग जाएगा दोलाडांगा का रास्ता। दोस्तों आप लोग एंजॉय कीजिए और मेरे राइड को लाइक ज़रूर दीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए। सच में दोस्तों बहुत ही अच्छा जगह है और हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट राइड के लिए। We are just shadows. It's supposed to be that we die. It doesn't matter if there is no light anymore, no light anymore. सच में दोस्तों आज हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये राइड एक बहुत ही यादगार राइड रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि आज का जो वेदर कंडीशन है बहुत बढ़िया वेदर कंडीशन है। ऐसा सनी डे संडे में हम लोगों को पूरा विंटर के टाइम में नहीं मिला है। आज जाके इतना खूबसूरत वेदर और इतना खूबसूरत जगह में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अभी हम लोगों को ये कच्चा रास्ता दिखा रहा है। अच्छा बाइक यहीं पे रखना पड़ेगा और जाना पड़ेगा बोट लेके। उस पार है दोलाडांगा। आज एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ हम लोगों को, बाइक को शिफ्ट करा रहे हैं बोट से उस तरफ। ऐसा एंजॉयमेंट पहली बार हो रहा है हम लोगों के साथ। इट्स अ थ्रिलिंग एडवेंचरस एक्सपीरियंस। बोल। एक वाटर बॉडी था बीच में, हमें उस साइड जाना था, तो इनिशियली प्लान ये हुआ था कि हम लोग यहाँ पर बाइक रख के निकल जाएंगे, फिर वापस आके घूम के जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो लोकल रेसिडेंट है वो कहा कि नहीं, यू शुड नॉट डू दिस, आप बाइक लेके स्ट्रेट पे चले जाइए। इसीलिए हम लोग बाइक को चढ़ा दिया है। गो स्ट्रेटली हम लोग नाउ स्टार्टेड अवर जर्नी। जय महाराज। जय श्री राम। नो नॉट जय श्री राम। चलिए मिलते हैं उस तरफ। दोस्तों उस तरफ आप जो देख सकते हैं वो कुमारी नदी है, कुमारी रिवर, और इस तरफ जो है ये है कंचावती नदी। हम लोग बीच से गुजर रहे हैं अभी। ये दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर्स। दोस्तों ये है बैकपैकर्स कैंप, पूरा देख सकते हैं। इसको पहले ऑनलाइन में या गूगल में नंबर इसका लेके थोड़ा बुकिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं। उसका फ़ोन नंबर भी मैं लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप लोग देख लीजिए। प्रोसीजर ऑफ बुकिंग यही लोग बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे खाना तो नहीं मिला, लंच बाहर ही करना पड़ेगा हम लोगों को। नो नो फूड अवेलेबल। सब यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं हम लोग, और इन लोगों का शायद हाल से बेहाल हो चुका है लोग। नहीं हम लोग बेहाल नहीं है, बेहाल नहीं है, लग तो रहा है बेहाल हो चुके हैं आप लोग। पत्थर तो छोड़ देंगे, बेहाल नहीं हुए। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं ना। हाँ जरूर चलिए, खाना खाएंगे, भूख लगी है बहुत जोर। उतना नहीं लगे, बहुत जोर लगी है। टाइम कितना हुआ? रोटी तड़का खाए ना, अभी तक भूख नहीं लगी।
टाइम कितना हुआ, ढाई बज गया क्या? देख रहे रो 20, अभी बज रहा 2:15। दो पंद्रह घर आसानी से चल जाएंगे। मानबाजार कितना दूर है यहाँ से? 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर जाने में तो आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, हम लोगों को मानबाजार में कुछ नहीं मिला, फिर से हम लोग बांकुरा का रूट पकड़ लिए हैं मानबाजार से खातरा होके। अगर रास्ते में कोई भी ढाबा मिल जाए तो वहीं पे रुक जाएंगे कुछ खाने के लिए। हम लोग यहीं पे लंच कर लेते हैं। ढाबा कम रेस्टोरेंट, होटल शिवम। दोस्तों अभी टाइम हो गया 3:15, 3:15 बज रहा है और दोपहर का लंच का टाइम है। रुके हैं, इस जगह का नाम है पायरा चाली, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रुपेन कैसा लग रहा है आज का राइड? बिंदास लग रहा, थोड़ा टायर्ड हूँ लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। छोटा सा ही तो रास्ता आए हैं, तो सिल्क रूट कैसे जाओगे उतना दूर? जाएंगे जाएंगे, उसके लिए अलग चीज है, फिर जल चल जाएंगे। मैं भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, सातों आदमी करेंगे। ज्यादा नहीं खाएंगे, अगर ज्यादा खाएंगे तो गाड़ी से चला नहीं पाएंगे। थोड़ा सा खाएंगे, दो रोटी खाएंगे, बसल थोड़ा सा खा लेंगे, बाकी सब नहीं खाएंगे। अभी टाइम हो गया 5:45, कुछ देर में ही अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, तो 5:00 तक पूरा अंधेरा हो जाता है। अभी यहाँ पे एकदम रुकना नहीं, आप लोग कभी भी इस रोड पे आइएगा तो ये बात ध्यान में रखिए कि रात के टाइम में ये बांकुरा का रोड बहुत डेंजरस, बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि रात के टाइम में हाथी निकलता है यहाँ पे। और एक बार अगर हाथी के सामने आ गए तो समझिए उस दिन आपका गया, ना आगे जा सकते, पीछे ज़रूर जा सकते हैं लेकिन पीछे कितना जाएंगे, पीछे जाएंगे तो उधर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके वजह से ये मेरा सजेशन रहेगा, ट्राई टू कवर दिस रोड इन इवनिंग, विद इन द इवनिंग, अदरवाइज़ आप लोगों को वहीं पर रोक जाना पड़ेगा, घंटे भर भी रोक हो सकता है, घंटे भर भी रोकना पड़े। ये लालू चाय एंड मैचा, यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। बहुत बढ़िया चाय बनाता है ये आदमी, बहुत बढ़िया। क्या नाम? लालू। अच्छा, लालू ही नाम है इसका। बहुत अच्छा चाय बनाते हैं लालू जी। लालू जी यही बोलते थे लालू जी। ये बेलिया चौर में है लालू का, देखो लालू का, देखिए ये लालू जी, लालू जो है स्पेशल चाय बनाता है। सारे लोग यहाँ पर लालू जी के पास आके, आप यहाँ पे भीड़ देख के पता चलेगा आप लोगों को इतना भीड़ यहाँ, आपको दिखा दे लालू, असली लालू कौन है। आइए पार्थो दा को थोड़ा सी ऑफ कर देता हूँ हम लोग। आप एक काम कीजिए, ये रास्ता पकड़ के ना सीधा चले जाइए ऊंची पर आएगा सीधा। अभी पार्थोदा जाएंगे शांति निकेतन। हेलो, फिर मिलेंगे दूसरे बार, दूसरे ट्रिप पर। इस ट्रिप बहुत मजा आया सबके साथ, दिन पूरा कब बीत गया हम लोग को कुछ पता नहीं चला। ठीक है, दिल खाली करके जा रहा है हम लोग सब। फिर मिलेंगे पार्थोदा। कल जो है होली है और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ होली की। जरूर खेलिए लेकिन खेलिए सेफली। होली में पेंट एकदम यूज मत कीजिए, दैट इज हार्मफुल टू योर स्किन। वहाँ पे केमिकल्स वगैरह यूज होता है, इसलिए अवॉइड पेंट। रंग खेलिए लेकिन इंडियन रंग खेलिए, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, अवॉइड दोज कलर्स। जनहित में जारी के लिए ये बोलना चाहता हूँ मैं, वो जो कलर्स अवेलेबल है मार्केट में वो सब चाइना से इंपोर्ट होता था। अभी भी कुछ स्टॉक्स है जो रंग का, मतलब होली का जो
हॉकर्स लोग जो बेचते हैं तो वो लोग ही वही चीज़ वो लोग बेचना चाहेंगे। तो बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि होली ज़रूर खेलिए लेकिन इंडियन कलर्स यूज़ करके, जो होली एक्चुअली जो रंग पुराने दिन में यूज़ होता था पिंक कलर का, वही कलर आप लोग यूज़ कीजिए। इट विल नॉट कॉज एनी कोरोना वायरस। तो सेफली होली खेलिए और क्या, चलिए घर पे मिलते हैं। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने घर पे विथ माय बर्ड। आज का दिन बहुत सुनहरा गया हम लोगों के लिए, बहुत एंजॉय किए हम लोग। और एक्चुअली कल होली है, आप लोगों को शुभकामनाएं हैं मेरे, हैप्पी होली, अच्छी तरह से खेलिए। और मेरा व्लॉग को अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद राइडर बट पॉल।